बताया कि हमारा जो कंट्री का इलेक्शन कमीशन जो है उसमें 3 मेंबर्स होते हैं लाइक, तो उनको कौन नॉमिनेट करते हैं, कौन अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट। ठीक है, तो हम फॉर एग्जांपल ये मान सकते हैं कि हमारी कंट्री में थ्री मेंबर्स, मतलब एक है सीईसी और 2 होंगे इलेक्शन कमिश्नर, तो टोटल कितने हो गए 3, सीईसी को मिलाकर 2 और हो गए इलेक्शन कमिश्नर, तो टोटल कितने हो गए 3। ये कौन से आर्टिकल में लिखा गया है, आर्टिकल 324, जिसमें लिखा गया है कि हाउ आर कंट्रीज इलेक्शन कमीशन विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एंड व्हाट विल बी द फंक्शंस। बेटा रवनीत को ऐड करो, ठीक है, क्लियर। तो ये है हमारी कंट्री का इलेक्शन कमीशन का कंपोजिशन। आर्टिकल 324 इज ऑल अबाउट द कंपोजिशन, पावर्स, फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन इन आवर कंट्री, क्लियर। तो इसके लिए क्या है कि सपोज हमारी कंट्री में जो इलेक्शन कमीशन है, किसी भी स्टेट में इलेक्शंस करवाने हैं या पूरी कंट्री में इलेक्शंस करवाने हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, होल ऑफ द कंट्री विल बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सीट्स, और उसके बेसिस के ऊपर फिर वो अनाउंसमेंट करते हैं। अगर तो लोकसभा के इलेक्शंस करने हैं तो लोकसभा की अनाउंसमेंट होगी, अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट के इलेक्शन करने हैं तो पंजाब के या गुजरात के या बिहार के असेंबली, उनको क्या बोलते हैं, असेंबली इलेक्शन, क्लियर। यस, हाँ जी दिव्या, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन लोकसभा इलेक्शन एंड असेंबली इलेक्शन। तो बच्चे टर्म सेम है, 5 इयर्स है, डिफरेंस क्या है, लोकसभा इलेक्शंस विल बी कंडक्टेड इन द होल कंट्री एंड असेंबली इलेक्शंस विल बी कंडक्टेड ओनली इन पर्टिकुलर स्टेट, फॉर एग्जाम्पल पंजाब, क्लियर है, ठीक है सराम। हाँ जी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द आर्टिकल रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन कॉम्पोजिशन पावर एंड फंक्शन। अभी बोला मैंने आर्टिकल 324, वेरी गुड। हाँ जी आगे, नेक्स्ट, हाउ मेनी मेंबर्स आर इन इलेक्शन कमीशन, यूजली कितने मेंबर्स हैं, 3 मेंबर्स हैं, एक है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 बाकी मेंबर्स हैं। दे आर अपॉइंटेड बाय, कौन अपॉइंट करते हैं उनको, प्रेसिडेंट, ठीक है। हाँ तो वो मेंबर्स नहीं है, कमीशन के मेंबर्स नहीं है, दे आर द पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट। हम ये थोड़ी कह सकते कि पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में कितने लोग काम कर रहे हैं, हमें तो सिर्फ ये पता है कि उनका चेयरमैन कौन है, हमें ये पता है कि सीबीएसई के चेयरमैन कौन है, हमें ये नहीं पता कि सीबीएसई के अंडर कितने लोग काम कर रहे हैं। तो देयर इज अ डिपार्टमेंट, सीबीएसई का प्रॉपर एक डिपार्टमेंट है ऐसे ही, ठीक है। हाँ जी उन्यासा, नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्शंस इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री में ना इलेक्शंस के अलग अलग टाइप्स होते हैं, यूजली 3, तो विच आर द नेम्स ऑफ दीज 3 टाइप्स। जर्नल इलेक्शंस, बेटा जर्नल इलेक्शंस कितने इयर्स के लिए करवाए जाते हैं, 5 इयर्स। इसके अलावा सेकंड होते हैं मिड टर्म, मिड टर्म कितने, क्या मिड टर्म की कोई पर्टिकुलर टर्म होती है, तो मिड टर्म इलेक्शंस आर कंडक्टेड इफ लोकसभा डिसॉल्व अर्लियर, 5 साल से पहले ही अगर डिसॉल्व हो जाए तो उस केस में जब नए इलेक्शंस करवाए जाएंगे उनकी टर्म 5 इयर्स ही मानी जाएगी, मिड टर्म इलेक्शंस, ठीक है। थर्ड, बाई इलेक्शन, बाई इलेक्शन किसके लिए होते हैं, फॉर एग्जाम्पल टू फिल वैकेंट और एनी पर्टिकुलर प्लेस, और कई बार सीट खाली हो जाती है, मे बी डेथ हो सकती है या इलनेस हो सकती है, लॉन्ग इलनेस हो सकती है, मे बी द पर्सन एमपी इज नॉट कैपेबल टू हैंडल द कंडीशन, ही कैन रिजाइन, और उस केस में जब एमपी की पोस्ट खत्म हो जाएगी देन इलेक्शंस विल बी कंडक्टेड, दैट इज नोन एज बाय इलेक्शन। यहाँ तक क्लियर है, मीनिंग टाइप्स, ठीक है। इसके बाद है फीचर्स, हाँ जी सौम्य, आई हैव डिस्कस विद यू नंबर ऑफ फीचर्स रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन, व्हाट मेक्स आवर कंट्री डेमोक्रेटिक। हमारी कंट्री के कोई भी 5 आपने मेन फीचर्स बताने हैं जो सऊदी अरेबिया, एस्टोनिया, फिजी या नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में नहीं होते। नंबर 1, 1 पर्सन
वन वोट वन वैल्यू, आप खुद मानते हो ये? डू यू थिंक? अच्छा, इसको ऐसे लेकर सोचो कि अगर हमारी कंट्री में ऐसा ना होता, एक पर्सन है वो अगर वोट करे तो उसके दो वोट माने जाए, एक पर्सन है वो वोट करे तो उसका एक, क्या ये डेमोक्रेटिक होगा? नो. इसका मतलब हमारी कंट्री में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हैं क्योंकि हमारी कंट्री में क्या है, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू. सेकेंड, सीक्रेट बैलेट, ये भी हमारी कंट्री का डेमोक्रेटिक है. सपोज अगर ऐसा होता कि हमारी कंट्री में जब आपने वोट करना होता तो ये पार्टीज को पता लग जाता तो क्या होता फिर? सपोज मैं यहाँ पे ईवीएम है और यहाँ पे मैं किसी भी बटन को प्रेस किया और जो यहाँ पे बैठे उनको पता लग जाता किसने किसको वोट किया, डिस्प्यूट हो जाते. तो इन डिस्प्यूट से बचने के लिए ये सिस्टम जो है दैट इज डेमोक्रेटिक सिस्टम. हैविश कम हियर बेटा, यहाँ पे आ जाओ. तो दिस सिस्टम इज नोन एज हैविश. क्या होता है सीक्रेट बैलेट? सीक्रेट बैलेट क्या होता है, जल्दी आओ. हाँ जी, सीक्रेट बैलेट. सीक्रेट मतलब आप किसी को बता नहीं रहे हो. बैलेट का मतलब क्या है? अच्छा, ओनली यू नो टू हुम यू आर वोटिंग. क्या ये बैलेट वर्ड इससे पहले, ईवीएम से पहले इसका कोई मतलब था? ये जस्ट इसका वैसा. ओके, पहले क्या होते थे? बैलेट बॉक्स. और पेपर को क्या बोलते थे? बैलेट पेपर. उस पेपर में जिसमें वोटिंग की जाती थी उसको बोलते थे बैलेट पेपर. लेकिन अब वो बैलेट पेपर का सिस्टम खत्म हो गया, ईवीएम है, लेकिन अभी भी इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? सीक्रेट बैलेट. सीक्रेट बैलेट का मतलब क्या होता है कि आपको किसी को बताओगे नहीं कि हमने किसको वोट किया, क्योंकि अगर आप बता दोगे तो क्या होंगे? डिस्प्यूट्स. ईवीएम तो एक काइंड ऑफ मशीन है ऑन विच यू कास्ट योर वोट. सीक्रेट बैलेट का मतलब होता है काइंड ऑफ सिस्टम है जिसमें आप किसी को बताते नहीं हो कि किसको आप वोट कर दो. ये आप नहीं, आप वर्ड चेंज कर दो. इट डजंट मीन कि आपने सेम रखना. आप ये भी लिख सकते हो कि वोटिंग इज सीक्रेट, ये तो आपके ऊपर है. मैंने जैसे एक आपको टर्म बताई है, इट डजंट मीन यू हैव टू राइट द सेम टर्म, यू कैन चेंज द टर्म आल्सो. जैसे मैंने बताया स्क्रूटनी, आप स्क्रूटनी की जगह ये भी ले सकते हो केयरफुल चेकिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर. ठीक है, लेकिन नॉमिनेशन पेपर सेम ही रहेगा, उसकी जगह कोई और पेपर मत कर देना. प्रॉपर्टी पेपर मत कर देना, रजिस्ट्रेशन पेपर मत कर देना. हाँ जी, अरे आपका पर्सनल, जब आप 18 इयर्स के हो जाओगे ना, मैं आपको सिस्टम फिर से बता रही हूँ. जब आप 18 इयर्स के हो जाओगे, सपोज ये रूम है, आपने ये रूम में एंटर किया, यहाँ पे कुछ रिटर्निंग ऑफिसर्स बैठे होंगे, उनके पास आपकी वोटर लिस्ट होगी, आपका हाउस एड्रेस होगा, वो आपका वोटर कार्ड टैली करेंगे और यहाँ पे कॉर्नर होगा, उस कॉर्नर को प्रॉपर ब्लैक क्लोथ से कवर किया जाता है और अंदर क्या होती है? ईवीएम्स, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स. आप अंदर गए, आपके पास 1-2 मिनट्स हैं, आपने ईवीएम, बच्चे नो आवाज नहीं, आप अंदर गए, आपके पास ईवीएम आपके सामने है, आपने एक तरफ लीडर्स का नेम पढ़ा, एक तरफ सिंबल्स, आप किसको वोट करके आए हो कोई नहीं जानेगा. जैसे ही बाहर आ जाओगे कोई आपसे पूछेगा किसको वोट करके हो, आप जिस मर्जी पार्टी को करके आए हो कुछ भी गलत बता दो, कहाँ पे चेकिंग हो गया? वहां पे आपने कोई वोटर कार्ड थोड़ी इंसर्ट किया, ये मतलब है. वो तो आपकी मर्जी है ना, पर आपसे गवर्नमेंट थोड़ी पूछ सकती है कि हाँ जी बताओ किसको वोट किया आपने, क्योंकि आपने तो वहां पे वोटर कार्ड इंसर्ट ही नहीं किया, आपका तो वोटर नंबर भी नहीं आया वहां पे सिर्फ आया है कि आपने किस पार्टी को वोट किया है, एड हो गया बस, ये नहीं पता कि किसने किया. दैट इज सीक्रेट बैलेट, सीक्रेट वोटिंग सिस्टम. कोई और डाउट किसी को अभी भी है तो बताओ. ठीक है, ओके. एनी अदर डेमोक्रेटिक फीचर ऑफ आर कंट्री दैट मेक्स आर कंट्रीज इलेक्शन मोर बेटर? कोड ऑफ कंडक्ट, वेरी गुड. कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है सम रूल्स एंड रेगुलेशंस टू बी फ्रेम्ड बाय इलेक्शन कमीशन. क्यों बनाने चाहिए रूल्स एंड रेगुलेशंस? अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे तो क्या होगा? चलो मैं दो रूल आपको बताती हूँ. एक रूल है यूज ऑफ मनी. जैसे बड़ा अनाउंसमेंट हो जाती है ना इलेक्शंस की, तो उसके बाद कैश कैरी करने पे रिस्ट्रिक्शन हो जाती है. सेकंड थिंग क्या है? सेकंड थिंग, आप इलेक्टोरल कैंपेन में आप टेंपल्स, कोई भी वर्शिप प्लेस का यूज नहीं कर सकते. और जब भी आप अपने बैनर्स या जैसे हम कहते हैं कि लेकर जा रहे हो, गाड़ियां लेकर जा रहे हो, उन पे सिर्फ आपका इलेक्शन सिंबल होगा, इसके अलावा कोई भी रिलीजियस सिंबल नहीं यूज कर सकते उसके ऊपर. अगर आप ऐसा करोगे तो इट मीन्स आप क्या कर रहे हो? यूज ऑफ रिलीजन. एंड इन दैट केस एक्शन कैन बी टेकन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑन योर वट एवर, जो भी आप एक्शन कर रहे हो. कोई भी पर्सन उसकी फोटो खींचकर इलेक्शन कमीशन के डिपार्टमेंट को भेज सकता है कि इस पर्सन ने इलेक्शन के टाइम पर में सिंबल्स को यूज किया है,
then action can be taken against them. हाँ जी पर्टिकुलर. अच्छा चलो मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. मैं किसी भी पर्सन का या किसी भी पर्टिकुलर जो है ग्रुप का नाम नहीं लूंगी. सपोज एक लीडर है, वो किसी पर्टिकुलर ग्रुप रिलीजियस ग्रुप के पास जाते हैं, उनके जो भी समुदाय हैं, उनके जो लीडर हैं, उनके जो गुरु हैं, उनको ये बोलेंगे कि हाँ जी आपके कितने फॉलोअर्स हैं, तो वो कहेंगे कि हाँ जी मेरे तो जी 20 लाख फॉलोअर्स हैं. ठीक है, तो ऐसे में वो कहेंगे लीडर्स की हाँ जी 20 लाख फॉलोअर्स का क्या वोट आप हमें दिलवा सकते हो. तो वो कहते हैं हाँ जी कि चलो ठीक है, जिस दिन हम अपने फॉलोअर्स को स्पीच दे रहे होंगे ना, आप हमारे पास आ जाना और हम आपको सपोर्ट करेंगे. सपोज वो लीडर उस टाइम खड़े होकर ये कह रहा है कि हाँ जी मैं भी आपका फॉलोअर हूँ, मैं यहाँ पे वोट लड़ने के लिए आया हूँ, वोट मांगने के लिए आपने मुझे वोट करना है क्योंकि आपके गुरु ऐसा कह रहे हैं, तो ये चीज गलत है. आप किसी भी पर्सन को रिलीजियस अपील वोटिंग के लिए पॉलिटिकल अपील नहीं कर सकते, दैट इज रॉन्ग. और अगर ऐसा होता है तो एक्शन विल बी टेकन. वो सिर्फ माथा टेकने जाते, तो उसके लिए कोई ये नहीं बोलते वहां पे खड़े होकर कि जितने भी फॉलोअर्स हैं मुझे वोट दो कि मैं यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव. हाँ मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, पर आप कहते हो कि मैम करते हैं, वो अलग बात है ना. हम बच्चे आपको कहते हैं कि बेटा 18 ईयर से कम ड्राइविंग नहीं करनी, आप करते हो, उसके लिए तो आप चैलेंज नहीं करते हो कि हम क्यों करते हैं. तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है. मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन आपको क्या चीज प्रोवाइड कर रहा है ना. अब एक्चुअली क्या होता है ये तो आपको भी पता है कि क्या होता है. ठीक है, हाँ जी नेक्स्ट सिट डाउन. एनी अदर फ्री हो गए हमारे. एनी अदर रेगुलर इलेक्शंस. रेगुलर इलेक्शंस हमारी कंट्री को डेमोक्रेटिक बनाते हैं. सपोज अगर ऐसा होता कि एक बार कोई लीडर जो है वो इलेक्ट हो जाता और 15 इयर्स के बाद उसको कोई चेंज ना कर सकता, तो क्या ये डेमोक्रेटिक होता? डेमोक्रेसी क्या कहती है? डेमोक्रेसी कहती है डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. तो पीपल कहाँ है इसमें? 15 साल तक तो एक ही पर्टिकुलर रूलर रहा, तो लोगों के पास तो कोई राइट ही नहीं. ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो है वो मोनार्की सिस्टम हो जाएगा या डिक्टेटरशिप हो जाएगा. सिट डाउन. हाँ जी प्राची. इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? कि हम लोग खुद अपने लीडर्स को डायरेक्टली हम जाके लोकसभा में नहीं बैठ सकते, लेकिन हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, वो लोग हमारे लिए लॉ बनाते हैं. बिकॉज पॉपुलेशन साइज इज वेरी लार्ज. जिस कंट्री में पॉपुलेशन साइज बहुत ज्यादा होता है, ऐसी कंट्री में कौन सी डेमोक्रेसी ज्यादा सक्सेसफुल होती है? इनडायरेक्ट. और अगर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी करवानी है तो उसके लिए क्या करवाने जाने? इलेक्शंस का करवाना बहुत जरूरी है. हाँ जी एनी अदर पॉइंट. फ्री एंड फेयर इलेक्शंस क्या, कैसे एक्सप्लेन करोगे आप? धैर्य कैसे एक्सप्लेन करोगे इसको, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस? ओके, आप ये बता दो कि ईच एंड एवरी पर्सन इज गिवन राइट टू वोट. ये चार चीजें जरूर बतानी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट कलर रिलीजन एंड रेस. मैन एंड वुमेन किसी भी तरह से कोई डिफरेंस नहीं होगा, रिच और पुअर का कोई डिफरेंस नहीं होगा. और आपने क्या बताना है? फ्री एंड फेयर. फेयर का मतलब क्या होता है? कि आपने जिसको रिजल्ट दिया वो रिजल्ट आपके सामने आता है. हाँ जी बैठ. चेंज एनी चॉइस. आपके पास चॉइस है, आपकी चॉइस लिमिट नहीं की गई है. हाँ जी सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी बैठ जाओ बेटा. पीपल कैन, वेरी गुड, पीपल कैन करेक्ट देयर मिस्टेक्स. इसका मतलब क्या है कि 5 इयर्स के लिए कोई पर्सन लीडर बना, वो एमपी बन गया या मिनिस्टर बना, उसको पता है कि उसने पिछले साल क्या गलतियां की थी. मे बी 5 साल के बाद लोग उसको नहीं चुनेंगे, उसके बाद 5 साल का टाइम है उसके पास कि वो अपोजिशन में कैसे चला गया. वो मिनिस्टर को अपोजिशन जो है वो क्वेश्चन पूछेगा, फिर उसके बाद मे बी 5 साल के बाद वो फिर लोग उसको चुनेंगे. इसका मतलब क्या होता है कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको पॉलिटिकल कैरियर बहुत लॉन्ग होता है और वो अपनी गलतियों से ही सीखते हैं कि लास्ट जब वो पहली बार एमपी बने होंगे तो उन्होंने क्या गलतियां की होंगी, क्यों लोगों ने उनको बाद में वोट नहीं किया, तो कैसे लोगों के पास जाना है, कैसे कन्विंसिंग करनी है, कैसे उनके जो है जो जो भी उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं उनको कैसे फुलफिल करना है. तो ये भी हमारी कंट्री का डेमोक्रेटिक फीचर है. क्लियर? अब आ जाओ स्टेप्स प्रोसीजर. कोई भी एक स्टूडेंट जो है मुझे सारे स्टेप्स बताएगा जितने मैंने आपको करवाए थे. हाँ जी जतिन. हाँ जी एक सेकंड. जतिन ने बताया अनाउंसमेंट. अनाउंसमेंट का मतलब क्या है? सबसे पहले को पता होना चाहिए कि अनाउंसमेंट कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन. और
मेन जो इलेक्शंस हैं बेसिकली हमारी कंट्री में दो होते हैं, या तो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं या फिर असेंबली इलेक्शंस, जिसमें लोग बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं। और जैसे अनाउंसमेंट हो जाती है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या हो जाती है, एक्टिव। एक्टिव का मतलब अपने अपने लीडर्स को सर्च करना शुरू कर देते हैं। ये हो गया फर्स्ट प्रोसीजर, इसको आपने लिखना है 2-3 lines में, इसको एक्सप्लेन करना है। सेकेंड, हाँ, डिवीजन ऑफ इलेक्टोरल एरियाज का मतलब होता है एरियाज को बांटना। अब ऐसे ही सोचो बच्चे, जैसे मुझे पता लगा कि हमारी क्लास का चार्ट डेकोरेशन कॉम्पिटिशन है, ठीक है ना। अब कुछ बच्चे ऑनलाइन है वो भी बना रहे हैं, ऑफलाइन भी बच्चे आ रहे हैं। मैंने क्या किया, डिवाइड द होल क्लास। कईयों ने काम करके दिखाया, कईयों ने नहीं किया, कईयों ने बिल्कुल भी इनिशिएटिव नहीं लिया, जो न्यूट्रल है। तो ऐसे लोग कल को ये कहेंगे कि मैम ये चार्ट अच्छा नहीं लग रहा, उनको कोई राइट ही नहीं है। सपोज अगर वो, ये वो लोग होते हैं जो खुद वोटिंग करने हैं उस टाइम। सपोज मैं एग्जांपल दे रही हूँ, सपोज इलेक्शंस के टाइम पर मैं खुद वोटिंग करने नहीं गए, आप हिल स्टेशन में घूमने चले गए, और बाद में जब गवर्नमेंट सेलेक्ट हो गई, आप हो गए गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर रही, देख लो क्या हाल। ठीक है, ऐसा ही है क्लास में। आपका क्लास डेकोरेशन कॉम्पिटिशन हुआ, मैंने डिवाइड कर दिया, चार्ट आपके लग गए। अब एक बच्चे ने कोई काम नहीं किया, वो खड़ो गए मैम ये ऐसा लग रहा है, ये ऐसे लग रहा है, ये ऐसे लग रहा है। इट मीन्स वो न्यूट्रल बच्चा है, जिस टाइम काम करना चाहिए था उसने करके दिखाया नहीं, या तो वो खुद कहता मैं सारे हेडिंग मैं लिखता हूँ, फिर आप चैलेंज करो। ऐसे ही कंट्री का होता है। डिवीजन ऑफ इलेक्टोरल एरियाज का मतलब क्या होता है, जैसे ही इलेक्शन कमीशन को अनाउंसमेंट होती है, उसके बाद उनका मेन काम क्या होता है, टू डिवाइड द एरियाज। और हर एरिया में से किसको वो इलेक्ट करेंगे, पूरी कंट्री में से एमपी, और अगर स्टेट की बात आती है तो एमएलए। एमपी जो है उनकी पावर ज्यादा होती है, एमएलए की पावर कम होती है। ठीक है, थर्ड, पूरी स्टेट का कोई भी एक बता दो, फॉर एग्जांपल पंजाब, जरूरी नहीं है पंजाब की टोटल बतानी है, फॉर एग्जांपल लिख दो इलेक्शंस ऑफ पंजाब आर कॉल्ड असेंबली इलेक्शंस एंड होल पंजाब विल बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू एमएलए इलेक्शन। ठीक है, हाँ जी। नंबर थ्री, हमें सबसे पहले अब एरिया पता लग गया, एरिया में से दो लोग चाहिए, एक वोट करने वाले और एक लड़ने वाले। पहले हमने किनको तैयार करना है, जिनका नंबर ज्यादा होगा, वोटिंग करने वाले, वोटर कार्ड बनवाने हैं हमने। वोटर कार्ड कैसे बनेंगे, जब वोटर लिस्ट को क्या किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा। अपडेट का मतलब सपोज पिछले 5 साल में जिसकी डेथ हो गई उसका नाम डिलीट करना, और या फिर जिनका नेम जो 18 ईयर से पहले नहीं थे अब 18 के हो गए हैं उनका नाम ऐड करना, और जो फॉरेन चले गए हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कहीं नाम कट नहीं होता। सपोज अगर किसी के पास इंडियन पासपोर्ट है और फॉरेन का है तो एट अ टाइम ड्यूअल सिटीजनशिप भी होती है, उधर की नहीं है यहाँ की तो है। अगर जो सपोज वो इलेक्शंस के टाइम में यहाँ पे आ गए तो दे कैन वोट, उनका वोटर कार्ड बना हुआ है, वो अलग बात है कि वो लिख के दे दे कि मैंने अब यहाँ का सिटीजन नहीं हूँ, आपका वोटर कार्ड कैंसिल हो जाएगा, फिर आपके पास जो है वो राइट टू वोट नहीं होगा। ये हाँ जी, फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन, वोटर कार्ड बन गए, अब हमने क्या किनको तैयार करना है, लड़ने वाले जो, और उसके लिए क्या होगा, पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, अपने अपने लीडर्स तैयार करती हैं, और एक पर्टिकुलर डेट होती है, उस डेट को कहाँ पे जाना पड़ता है, नॉमिनेशन ऑफिस जाएंगे, वहां पे जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है, पेपर वर्क होता है वो करना पड़ेगा, और साथ में कुछ पर्सन आपको सिक्योरिटी देनी पड़ती है, मनी देनी पड़ती है, लेकिन साथ ही वहां पे लिखा होता है इस डेट तक अगर अपना नेम वापस लेना चाहते हो तो यू कैन टेक, रिफंड हो जाएगा, लेकिन उसके बाद रिफंड नहीं हुए, विड्रॉल नाम दे दिया जाता है कि आपने अगर नाम विड्रॉ करना। सपोज जैसे मैंने आपको एक्टिविटी में ले लिया, मैंने आपका नेम आगे दे दिया, लेकिन आप कह रहे हो कि मैम अब मैंने एक्टिविटी में नहीं लेना, तो आपने अपना नाम क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। मैं कहूंगी बेटा अब नहीं हो सकता, अब तुम्हारा नाम जो है वो फाइनल हो चुका है, ये मतलब है। हाँ जी, यस, अब वोट करने वाले भी तैयार हैं, लड़ने वाले भी तैयार हैं, अब किसका काम है, इलेक्शन कमीशन क्या करेंगे, दे विल चेक द डिटेल्स, जैसे हम लोग आपकी आंसर कॉपी चेक करते हैं डिटेल में, ऐसे ही इलेक्शन कमीशन उनके नॉमिनेशन पेपर उनको चेक करते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने लिखी हुई है फ्रॉड तो नहीं है। ठीक है, जो भी आधार कार्ड लगाया है, पैन कार्ड लगाया है, वो फ्रॉड तो नहीं है, फेक तो नहीं, और विड्रॉल तो पहले हो गया। हाँ जी, उसके बाद कैंपेन, अब सभी तैयार है, एनवायरमेंट तैयार हो चुका है, अब मेन ड्यूटी किसकी है, कन्विंसिंग करने की। सपोज एक ऑनेस्ट लीडर है,
वो घर में बैठे वो कहेंगे कि मैं तो ऑनेस्ट हूं, मैं नहीं जाऊंगा कन्विंसिंग करने के लिए, उनको वोट नहीं मिलेगा। वोटिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पब्लिसिटी करनी पड़ेगी, और पब्लिसिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से आप पब्लिसिटी जो है एडवर्टाइज करना पड़ेगा अपना नेम, हाँ, और रैलीज, लुक, आइडियोलॉजी, मैनिफेस्टो, पोस्टर्स, पैम्फलेट्स, डोर टू डोर जाना पड़ेगा, कैंपेन करना पड़ेगा। हाँ, और इस केस में क्या होता है, जिसकी पब्लिसिटी जितनी ज्यादा होगी लोग उसको उतना ही जानेंगे, उसके बारे में सर्च करेंगे। जिस पर्सन ने आप, अब कई बार क्या होता है, लिसन कीप क्वाइट, अब सपोज मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मैं जब ईवीएम पढ़ूंगी, ईवीएम में मैं देखूंगी एक पर्सन का तो रोज ही हमारे नाम आता था, इसकी टीवी में भी डिबेट आता था, पैम्फलेट्स भी बटे हुए हैं, रैलीज भी की हैं इन्होंने, लेकिन कुछ नाम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हैं जिन्होंने कभी कन्विंसिंग ही नहीं की, तो हम कहेंगे ये तो हमारे पास कभी आए नहीं और हम तो इनको वोट, हम इनको जानते ही नहीं है, तो हम इनको वोट कैसे दें। अदर्स भी, अदर्स का मतलब जो किसी पार्टी का जो है वो पार्ट नहीं होते, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी हो सकता है जो किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करेगा, लेकिन उसको भी क्या मिलता है, इलेक्शन सिंबल देता है, और ये सिंबल कौन देते हैं उनको, इलेक्शन कमीशन, ठीक है। उसके बाद हाँ, कैंपेनिंग के बाद लास्ट क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मैंने आपको पहले बताया था कि बेटा जिस दिन वोटिंग होती है, वोटिंग से 2 डेज पहले सारी की सारी कैंपेनिंग क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। जैसे आप खुद सोचो कि जब आपका पेपर होता है आपको 2 दिन या 1 दिन क्या मिलती है, छुट्टी मिलती है, ताकि आप आराम से उस पेपर की तैयारी कर सको। और यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या है, 2 दिन के लिए कैंपेनिंग बंद करना मतलब, और ये भी प्रॉपर सेरेमनी होती है आपको पता है। सपोज 2 दिन के बाद वोटिंग है, आज शाम 5 बजे तक सारे जितने भी लीडर्स है ना वो कमीशन ऑफिस जाते हैं, 5 बजे तक वहां पे इंजॉय करते हैं, जस्ट प्रॉपर गैदरिंग इकट्ठी करते हैं, और पूरे 5 बजे बिना किसी आवाज के अपने घर वापस आ जाओ। और उसके बाद 2 दिन के लिए क्या लग गया, कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है कि अब 2 दिन तक वो कैंपेनिंग नहीं करेंगे, ताकि लोगों को सोचने का टाइम मिले, उनका जो है वो उनके ऊपर प्रेशर जो है वो ना डाला जाए। हाँ हाँ, उसके बाद फिर क्या है, इलेक्टोरल डे या वोटिंग डे। वोटिंग डे मोस्टली गवर्नमेंट की जो ट्राई होती है कि उस दिन हॉलीडे होता है, और 9 to 5, 9 to 5 का मतलब होता है पर्टिकुलर टाइम फिक्स होता है, और उस पर्टिकुलर डे जो वोटर्स हैं अपने आप जो भी उनको पहले इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसके अकॉर्डिंग वोटिंग करने जाते हैं, एंड ये प्रॉपर जो है वो सील होता है। बच्चे क्यों आवाज आ रही है आपकी, ये सेंटर प्रॉपरली सील होता है, पुलिस प्रोटेक्शन होती है, ईवीएम्स को प्रॉपरली सिक्योर किया जाता है, और उसके बाद वोटिंग करने के बाद एंड जो है दैट इज रिजल्ट डे। रिजल्ट डे तो आपको पता ही है कि रिजल्ट डे किस तरह से मीडिया उसको कवर करता है जब काउंटिंग स्टार्ट होता है, और उसके बाद फिर फाइनल डिक्लेरेशन होती है कि कौन सी पार्टी को नंबर ऑफ सीट्स सबसे ज्यादा मिली। सपोज मैं आपको ये कहूँ कि जैसे इस बार इलेक्शंस में बीजेपी को सीट्स मिली मोर देन 250, तो ये पार्टी माइनॉरिटी बनेगी कि मेजॉरिटी। हाँ, मेजॉरिटी। मेजॉरिटी का मतलब होता है जो पार्टी नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा जीती है। क्या फर्क पड़ता है नंबर ऑफ सीट्स या नंबर ऑफ वोट्स? नंबर ऑफ वोट्स का मतलब उस पर्सन को कितने वोट्स पड़े हैं, नंबर ऑफ सीट्स का मतलब है कि उस पार्टी के कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जो इलेक्टोरल एरियाज हैं। पूरे इंडिया में 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। सपोज 280 कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिर्फ एक ही पार्टी के सारे लीडर जीते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो पार्टी अब क्या बनाएगी, गवर्नमेंट बनाएगी, और उनके लीडर क्या बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर। सो इन दिस वे इलेक्शंस आर कंडक्टेड इन आर कंट्री, एंड इवन दिस इज द मेथड हाउ प्राइम मिनिस्टर इज आल्सो इलेक्टेड। एक प्राइम मिनिस्टर पहले एमपी बनता है, उसके बाद क्या बनेंगे, वो प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर तभी बनेंगे जब वो लोकसभा में मैक्सिमम नंबर से जीत कर आएंगे, और उसके बाद प्रेसिडेंट उनको इनवाइट करते हैं, हु इज द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी, एंड उसके बाद प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, फिर अपने अपने मिनिस्टर की लिस्ट बनाते हैं किसको कौन कौन सा डिपार्टमेंट दिया जाएगा। प्रेसिडेंट डायरेक्ट नहीं होता, प्रेसिडेंट इनडायरेक्ट होता है, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, हम उसमें डिटेल में करेंगे, ठीक है। अभी तक तो आपका ये क्वेश्चन है कि हाउ इलेक्शंस आर कंडक्टेड इन इंडिया, ये आपने सारा एक ही पैराग्राफ में नहीं करना, इसको अलग अलग पॉइंट्स में करना है आपको, पॉइंट्स, ठीक है। एनी डाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हरमीत, ख्याति, राघव दुग्गल,
रवनीत, रियांशिका, सुरवीन एंड प्रतीक्षा, एनी डाउट बेटा? Thank you.